I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain, it's never ending, it's only something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid. If I let go of this pain, am I complicitly betrayed? हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अब प्यार भरी ज़िंदगी में सभी खुश होंगे फ्रेंड्स। तो अर्ली मॉर्निंग सुबह 5 बजे का समय है फ्रेंड्स, और मैं खूब ढेर सारा पीती हूँ पानी। उसके बाद पानी पीने के बाद मैं फ्रेश होने के बाद मैं आ गई और हाथ पैर धुल के उसके बाद मैंने किया झाड़ू पोछा और घर के सारे काम निपटा दिए, कपड़ा धुलने का सब कुछ सारा काम निपटा करके उसके बाद मैंने करी अपनी पूजा। पूजा करने के बाद फ्रेंड्स जल्दी से बनाया बच्चों के लिए टिफ़िन, तो बच्चों को आज मीठा खाने का मन था तो मैंने गुड़ को भिगो कर रख के चली गई थी। उसके बाद आई तो मैं आटे मिला करके बच्चों के लिए बना दिया पुआ, तो आज बच्चों ने यही बच्चों को दे दिया लंच में पुआ, तो बच्चे आज यही खा के चले गए फ्रेंड्स और उनको लगा दिया है टिफ़िन। तो आज बच्चों को ले जाने का मन था, मीठा खाने का मन था, तो फ्रेंड्स आज मीठे में हमने यही बना दिया और बच्चे ले गए हैं टिफ़िन। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो यहाँ पी रही हूँ मैं जीरा वाटर, जो कि जीरा रात में भिगो के रख दिया था तो वही पीती हूँ, आप लोग को पता ही है। और सुबह के बज चुके हैं 8 और घर की इतनी बुरी हालत है, बच्चे जा चुके हैं स्कूल, उनको तैयार करके उनका टिफ़िन लगा करके उनको भेज दिया है, और जब बच्चे चले जाते हैं तो घर की ये हाल हो जाती है। पता नहीं मेरे साथ में होता है कि सभी के साथ में होता है, तो घर का ये हाल हो गया है क्योंकि उनको तो टाइम टेबल से सारी कॉपियां रख करके और उसके बाद जितनी निकालनी उतनी फेंक के चल दिया, चाहे उनको जितना भी समझाओ समझ में नहीं आता है, तो ये सब हम ही लोगों को करना पड़ता है। अब ये सब फैला हुआ है, चलो देखते हैं, अभी पहले इसको पी लेते हैं और उसके बाद सबके जाने के बाद, क्योंकि सुबह इतनी भाग दौड़ रहती है कि कुछ सूट हो पाता है कुछ नहीं हो पाता है, तो इस तरीके से पानी पी लेती हूँ और उसके बाद थोड़ा सा 10 मिनट थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, क्योंकि सब जाने के बाद फिर 10 मिनट मैं रेस्ट करती हूँ। रेस्ट करने के बाद पहले करूँगी अपनी एक्सरसाइज, कभी हो जाता है बच्चों से जाने के पहले और कभी नहीं हो पाता है, तो करूँगी अभी अपनी एक्सरसाइज, उसके बाद फिर मैं करूँगी इस कमरे की सफाई। तो चलिए पी लेते हैं। और आज बच्चों का मन था कि मम्मी कुछ मीठा बना के दो, तो हमने कहा मीठे में क्या बनाए, तो बच्चे हलवा ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, तो मैंने फिर आटा लिया और गुड़ को घोल के रख दिया था, तो उसी को ही सान करके उसी से गरी डाल करके तो बना दिया था पुआ। तो बच्चे आज वही लेके चले गए हैं लंच में, दोनों बच्चों को आज मीठा खाने का मन था तो फिर वही दे दिया बच्चों को बना कर। सबसे ज़्यादा हेल्दी भी है क्योंकि गेहूँ के आटे से बना है, गुड़ से बना है, जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। तो ना मैं खुद कुछ भी फालतू चीज़ें खाती हूँ, ना बच्चों को खाने देती हूँ, तो इस तरीके से बच्चों को भी दे दिया है और बच्चे चले गए हैं, आप थोड़ा सा रेस्ट करने को मिला है। तो चलिए पी लेते हैं फ्रेंड्स पानी, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स मैं 10 मिनट थोड़ा सा रेस्ट करके उसके बाद मैं यहाँ आ गई अपनी एक्सरसाइज करने के लिए फ्रेंड्स। तो यहाँ 30 मिनट की एक्सरसाइज मैं डेली रूटीन में अपनी करती हूँ फ्रेंड्स, और आप भी अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो आसानी से आप घर बैठे 30 मिनट की एक्सरसाइज रोज़ कीजिए फ्रेंड्स। और जो भी ये लोग परेशान हैं अपनी बीमारी से या रोग से परेशान है फ्रेंड्स, तो आप एक बार एक्सरसाइज को अपनाइए फ्रेंड्स और योग को अपनाइए, तो आपका भी वेट लॉस आसानी से होगा और धीरे धीरे आपकी बीमारियाँ भी खत्म होगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ज़िंदगी में ख़त्म होने जैसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, हमेशा एक नई शुरुआत आपका इंतज़ार करती है। हाँ ठीक है, आज मुश्किल है, कल बेहतर भी होगा, और अगर आपने उम्मीद नहीं छोड़ी फ्रेंड्स तो भविष्य में बेहतरीन भी होगा। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से मैं अपनी एक्सरसाइज कर लेती हूँ फ्रेंड्स, और आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं तो आप अनुलोम विलोम और योगा ही करिए फ्रेंड्स, कपाल भारती, तो इससे भी आपका वेट लॉस आसानी से होगा। और सबसे ज़्यादा कपाल भारती करने से जो हमारे शरीर की सारी छोटी सी बड़ी नसें होती हैं ना फ्रेंड्स, जो ब्लॉक हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं फ्रेंड्स, काम करना बंद कर देती हैं, तो वो धीरे धीरे कपाल भारती करने से फ्रेंड्स
हमारी सारी शरीर की सारी नसें खोल देता है फ्रेंड्स, और रेगुलर हमारी नसें चलने लगती हैं फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप कपालभाति अनुलोम विलोम ही करिए तो इससे भी आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से मैं अपनी एक्सरसाइज कर लेती हूँ 30 मिनट की रेगुलर की एक्सरसाइज, इससे काफ़ी रिलीफ मिलता है और बॉडी में पेन भी नहीं रहता है, किसी तरीके की तकलीफ भी नहीं होती है फ्रेंड्स। तो सब कुछ करने से ही होता है फ्रेंड्स, सोचने से कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स। आप सोच कर और आप तुरंत अपना काम करना चालू करिए फ्रेंड्स, तो आपको कोई भी काम होगा आप उसमें सक्सेस ज़रूर पाएंगे फ्रेंड्स। तो चलिए यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज होने के बाद मैं बनाती हूँ अपना खाना फ्रेंड्स। तो खाने में आज बनाया था दाल चावल रोटी और पत्ता गोभी की सब्ज़ी फ्रेंड्स, और थोड़ा सा बना लिया था, लौकी रखी थी एक छोटी सी तो उसी का मैंने बना दिया था, रायता दही भी रखी थी घर में तो हमने कहा चलो रायता भी बना देते हैं तो फुर्सत हो जाएगा। तो फिर इसीलिए सबको पूरा खाने में सब कुछ यही बना दिया था, क्योंकि सुबह भी मीठे में ही बना था और कुछ नहीं नाश्ते में बना था, तो आज खाना पूरा इसी तरीके से हमने बना दिया है फ्रेंड्स। और यहाँ मैं खा रही थी अपना सेब। तो फ्रेंड्स फ्रूट्स लेना बहुत ही ज़रूरी है, आपको शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद करता है। सीजनेबल फ्रूट्स लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत महंगे महंगे फ्रूट्स लीजिए, जो भी सीजनेबल फ्रूट्स है जो सीज़न में आपके आ रहे हों फ्रेंड्स वही फ्रूट्स लीजिए, वही खा लीजिए, लेकिन फ्रूट्स लेना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। यह एक्सरसाइज करने के बाद मैं खा रही थी अपना फ्रूट्स और उसके बाद मैं लग गई अपनी सफाई में फ्रेंड्स। तो बहुत सारी सफाई हो जाती है फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा करने में बहुत टाइम लग जाता है फ्रेंड्स। तो धीरे धीरे उधर खाना भी चढ़ा दिया था, दाल भी पक रही थी और इधर मैं अपनी साफ़ सफाई करना चालू कर दी थी फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से डेली का रूटीन हम महिलाओं का रहता ही है फ्रेंड्स कि सब कुछ करना है और अपने अकॉर्डिंग ही हम अपने घर को मैनेज कर सकते हैं अगर हम करना चाहें तो फ्रेंड्स। और सुबह जितना ही जल्दी हम उठ जाते हैं तो उतनी ही जल्दी हमारा काम भी निपट जाता है फ्रेंड्स, और घर भी साफ़ सुथरा रहता है और शाम को हम अपने लिए कुछ समय निकाल पाते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरीके से सारा काम फिनिश करके झाड़ू पोछा फिर दूसरे कमरे में भी किया, यहाँ भी किया, और करने के बाद फिर मैं अपना बनाने लगी खाना फ्रेंड्स। तो थोड़ा सा समय निकालने के लिए फ्रेंड्स सुबह उठना बहुत ज़रूरी है, और सुबह आप उठेंगे तो आपका जल्दी काम हो जाएगा और सेल्फ केयर भी कर पाएंगे अपनी फ्रेंड्स। तो अगर ऐसे एक्सरसाइज करते हैं या कोई भी अपने लिए सेल्फ केयर करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आपको अर्ली मॉर्निंग सुबह थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ेगा, तब आप सेल्फ केयर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अपने आप को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है, जब आप अपने आप को ठीक रखोगे फ्रेंड्स तो आप दूसरे को भी ठीक रख पाओगे, वरना आप फिर आप खुद भी बीमार रहोगे तो दूसरों को भी ठीक नहीं रख पाओगे फ्रेंड्स। तो इस तरीके से फिर यहाँ बनाने लगी थी मैं अपना खाना फ्रेंड्स। और मैं आज आपको एक बात बता दूँ फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स कोई भी रिश्ता आजकल अपना खास नहीं है, सारे रिश्ते बेजान हैं फ्रेंड्स, चाहे वो अपना पति हो बच्चा हो कोई भी हो। आजकल की इस दुनिया में फ्रेंड्स कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं है जो आपको ये कहे कि तुम मेरे अपने हो फ्रेंड्स, आजकल इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है फ्रेंड्स। और एक माँ का ही रिश्ता ऐसा होता है जो अपना होता है फ्रेंड्स, तो आज से ये जान लीजिए कोई किसी का नहीं है फ्रेंड्स। और यहाँ शाम हो गई थी फ्रेंड्स, तो यहाँ मैं करने लगी थी अपने बालाजी की पूजा फ्रेंड्स। तो आप लोग जानते हैं कि मैं करती हूँ बालाजी की पूजा, और सुबह पढ़ती हूँ हनुमान जी की हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, और शाम को यहाँ करती हूँ मैं अपने बालाजी की पूजा फ्रेंड्स। तो ये करती हूँ केवल ट्यूसडे और सैटरडे को फ्रेंड्स। और यहाँ फिर उसके बाद मैं करने लगी थी कपड़े में प्रेस, और शाम को 4 बजे करीब झाड़ू तो लगा ही लेती हूँ, उसके बाद फिर यहाँ प्रेस करने के बाद सारा काम निपटा करके बच्चों को खिला पिला के, बच्चों को थोड़ा सा देखना भी रहता है पढ़ाई में भी तो उनको भी देख लेती हूँ फ्रेंड्स। और इसी तरीके से डेली रूटीन मेरा बीत जाता है फ्रेंड्स, दिन कब निकल जाता है पता नहीं चलता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं अपना प्रेस भी जल्दी से रखने लगी और उसके बाद सारे काम निपट गए हैं फ्रेंड्स। अब तो फ्रेंड्स आज बच्चों ने मंगा लिया था पेटीज, क्योंकि उनका बहुत काफ़ी दिन से खाने खाने को बोल रहे थे तो मैं ही मना कर देती हूँ, लेकिन आज उनको खाने का मन था तो मैंने कहा चलो अच्छा खा लो, तो वही बच्चों ने मंगा लिया था पेटीज आज, तो वही खा लिया। और बाकी दोपहर का खाना इतना सारा हमने बना ही दिया था आज, सब कुछ रायता और दाल चावल रोटी और पत्ता गोभी की सब्जी आपने देखा ही होगा। तो फ्रेंड्स इतना सब कुछ बना दिया था, अभी वो भी रखा हुआ है फ्रेंड्स, तो आज कुछ भी खाने में नहीं बनेगा रात को। और जो भी खाते हैं रात में थोड़ा ही बहुत खाते हैं, तो ज़्यादा कुछ नहीं बने, मतलब आप कुछ नहीं बनेगा। और मैं भी अगर मुझे भी खाना होगा तो मैं दूध ले लूँगी 1 गिलास, बस वही पी लूँगी तो सो जाऊँगी फ्रेंड्स।
और अब मैं यहीं करूंगी अपने वीडियो का एंड। तो वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स एक लाइक ज़रूर मार दीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके एंड बाय बाय।